बोकारो मुहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार से सटा ताजिया, करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलस गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सभी घायलों को बोकारो थर्मल के DVC अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बोकारो के BGH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शनिवार की सुबह का बताया जा रहा है। बेरमो अनुमंडल के पेटरवार में इमामबाड़ा के दरगाह मोहल्ले से ताजिया निकालकर लोग करबला ले जा रहा थे। इसी दौरान रास्ते में ताजिया 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिसके बाद जुलूस के साउंड सिस्टम के लिए रखी बैटरी में ब्लास्ट हो गया। INS की रिपोर्ट मुताबिक मृतकों की पहचान खेतको गांव के आसिफ रजा, एनामुल, गुलाम हसन और साजिद अंसारी के रूप में हुई है। झुलसे लोगों में सलाउद्दीन अंसारी, इब्राहिम अंसारी, लाल मोहम्मद, फिरदौस अंसारी, मेहताब अंसारी, आरिफ अंसारी, शहबाज अंसारी, मुजीबुल अंसारी, साकिब अंसारी शामिल। मुहर्रम आज शेयर करें ये शानदार।